वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद में वीडियोग्राफी और सर्वे होना है। ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं की मूर्ति कहां है, क्या स्थिति है, इसकी जांच होनी है, लेकिन मस्जिद कमेटी इसका विरोध कर रही है। कई लोग सर्वे करने आई इस टीम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये विरोध करके किस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है? अदालत का आदेश क्यों नहीं माना जा रहा? सर्वे टीम के ज्ञानवापी परिसर में जाने से किसको बेचैनी है? इसका जवाब मिलना चाहिए। बहरहाल हिंदू पक्ष का कहना है कि आक्रांता औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। मंदिर के ही अवशेषों का इस्तेमाल करके मस्जिद का निर्माण किया गया था। आपको याद होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। तब पीएम मोदी ने वहां खड़े होकर आक्रांता औरंगजेब की धज्जियां उड़ा दी थी, मुगलों के अत्याचारों के बारे में देश को बताया था। पीएम मोदी का ये बयान आज फिर चर्चा में आ गया है। ये बयान आज देश को दोबारा सुनना चाहिए। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।